नागपुर में जिस तरह से भावी मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टरबाजी की गई है, ये बचकानी राजनीति चल रही है। ये कहते हुए नाना पटोले बोले कि अब चुनाव है, समय आने पर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। ऐसा पत्रकारों से संवाद साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा कहा गया। देखो, अभी कोई चुनाव का समय नहीं है और अभी कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में जनता त्रस्त है। किसान हो, युवा हो, गरीब हो, सभी लेवल पे लोग त्रस्त है, कर्मचारी त्रस्त है। तो ऐसे समय में छोटे व्यापारी हो, सब त्रस्त है और उनके इश्यू उठाकर उनको जस्टिस देना, ये कांग्रेस का पहली भूमिका है। और जब चुनाव आएंगे उसमें जिस दल के ज़्यादा विधायक रहेंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। ये सिंपल थ्योरी है, लोकतंत्र में यही साबित करता है कि जिसके ज़्यादा सदस्य हो, दल MLAs हो या MP हो, उसी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। तो ये कोई भविष्य वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है कि अभी समय चुनाव भी नहीं है। महाराष्ट्र में गए 3 महीने से जो ओले और बारिश हो रही है, जिसमें किसान पूरा तबाह हो चुका है, ये इशू को लेके कांग्रेस लड़ रही है, युवाओं के इशू को लेके लड़ रही है, गरीबों के इशू को लड़ रही है। और कांग्रेस की भूमिका इसमें, इसके बोर्ड कहाँ लग रहे हैं, ये चाइल्डिश जो पॉलिटिक्स आज महाराष्ट्र में चल रही है, इसके तरफ ध्यान देने का हमारे पास समय नहीं है।